नमस्कार दोस्तों, करियर डेस्ट एकेडमी के एमपी डेली करंट अफेयर्स एमपी जीके के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे 3 मार्च 2019 का मध्य प्रदेश प्रतिदिन समसामयिक की सामान्य ज्ञान। दोस्तों, इसकी पीडीएफ एवं एमसीक्यू प्रैक्टिस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, जहाँ से आप हमारे careerdestacademy.com से एमपी डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अभी 27 फरवरी 2019 की जो है वो पीडीएफ अपलोड हो चुकी हैं और जल्दी सारी की सारी अपलोड कर दी जाएंगी दोस्तों। और हम इस वीडियो के लास्ट में एक आपसे मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स एमपी जीके से संबंधित एक क्वेश्चन पूछते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट के जरिए देना होता है। और हम देखते हैं 3 मार्च 2019 का जो पहला एमपी डेली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अभी हाल ही में पंडित सूर्य नारायण व्यास अलंकरण समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में पंडित सूर्य नारायण व्यास अलंकरण समारोह का जो आयोजन किया गया है वह उज्जैन में किया गया है। और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन मुशायरा एवं पंडित सूर्य नारायण व्यास अलंकरण समारोह उज्जैन में कमरी मार्ग चौराहे पर 2 मार्च 2019 को किया गया है। अभी हाल ही में स्वामी अखंडानंद सरस्वती विशिष्ट अलंकरण व्यक्तित्व से कौन सम्मानित किया गया है? अभी हाल ही में जो स्वामी अखंडानंद सरस्वती हैं विशिष्ट अलंकार व्यक्तित्व से जो शामिल मतलब सम्मानित किया गया है, ये स्वामी अखंडानंद सरस्वती, ये विशिष्ट सम्मान होता है और इसे राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल को सम्मानित किया गया है। राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल 2 मार्च 2019 को जबलपुर के ग्वारी घाट स्थित साकेत धाम में आयोजित भव्य समारोह में स्वामी अखंडानंद सरस्वती विशिष्ट अलंकरण व्यक्तित्व से सम्मानित किया गया है। श्री राजीव लोचन ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस समारोह की अध्यक्षता बाबा कल्याण दास ने की थी। रायसेन जिले के सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल भोजपुर के शिव मंदिर परिसर में भोजपुर महोत्सव कब मनाया जाएगा? दोस्तों, अकेला यह भी आ सकता था कि मध्य प्रदेश में भोजपुर महोत्सव कब मनाया जाएगा, तो ये मनाया जाएगा आज ही के दिन, यानी 4 मार्च 2019 को। दोस्तों, आज है महाशिवरात्रि और आज ही के दिन जो है वो जो रायसेन जिले के सुप्रसिद्ध भोजपुर के शिव मंदिर में भोजपुर महोत्सव मनाया जाएगा और इसमें संस्कृति मंत्री जो डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु मुख्य अतिथि के रूप में 4 मार्च 2019 को रायसेन जिले के सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल भोजपुर के शिव मंदिर प्रांगण में भोजपुर महोत्सव मनाया जाएगा। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ये जो बनाए गए हैं श्री यू के लाल को बनाए गए हैं, यू के लाल, ध्यान रख सकते हैं, यू के लाल मध्य प्रदेश के पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री यू के लाल को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने पर मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों, एक और है जो नर्मदा विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष है राकेश शाहिनी, उन्हें पद से हटा दिया गया है, ये आप ध्यान रखें। और नए जो बनाए जाएंगे तो हम आपको सूचित करेंगे। नर्मदा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद से हटा दिए गए हैं राकेश शाहिनी। और मध्य प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं के लिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन कब किया जाएगा? जो मध्य प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं के लिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है वह 9 मार्च 2019 को किया जाना है। 9 मार्च 2019 को विद्युत उपभोक्ताओं के लिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर में चंबल संभाग में 16 जिलों में 9 मार्च 2019 को नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी अनियमितताओं के प्रकरण समझौते से निराकृत किए जाएंगे। कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 तथा 126 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में लोक अदालत में समझौता शर्तों पर मसौदा जारी किया जाएगा। तो कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा, ये ध्यान रखेंगे कि जो भी बिजली चोरी से संबंधित धाराएं होती हैं वो 135, 138 और 126 के तहत बिजली चोरी और अनियमितताओं के प्रकरण दर्ज किए जाते हैं। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इंडियन ग्रैंड प्री 2 में इमैनुअल पाल ने मध्य प्रदेश को कौन सा पदक दिलाया है? नाम है इमैनुअल पाल। इंडियन ग्रैंड प्री में मध्य प्रदेश को कौन सा पदक दिलाया है? तो इसका आंसर है, एक इन्होंने रजत पदक दिलाया है दोस्तों इमैनुअल पाल ने। दिल्ली के जवाहरलाल स्टेडियम में खेली गई इंडियन ग्रैंड प्री 2 में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ी
एमिनुअल पाल ने सीनियर कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश को रजत पदक दिला दिया है। यह पहला अवसर है कि जब अकादमी के किसी खिलाड़ी ने सीनियर कैटेगरी में रजत पदक मध्य प्रदेश को दिलाकर मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। दोस्तों बात करेंगे अब हम, और दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग जाता है तो आप लाइक ज़रूर किया करें, जिससे लाइक होता है तो दोस्तों हमारा मनोबल बढ़ता है। और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान एमपी जीके के अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये मोहम्मद गौरी ने ग्वालियर पर आक्रमण कब किया था। आपको बताना है कि मोहम्मद गौरी ने ग्वालियर पर कब आक्रमण किया था। 1197 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया था। और दोस्तों मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया था वो 1019 ईस्वी में किया था, मोहम्मद गजनी ने, ये गजनी ध्यान रखें दोस्तों, गजनी ने जो आक्रमण किया था वो 1019 ईस्वी में किया था। और मध्य प्रदेश का प्रथम विमान रिपेयरिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश का प्रथम विमान रिपेयरिंग सेंटर जो स्थापित किया जाएगा वह इंदौर में स्थापित किया जाएगा, इंदौर में स्थापित किया जाएगा प्रथम विमान रिपेयरिंग सेंटर। और मध्य प्रदेश में प्रथम आकाशवाणी केंद्र इंदौर में स्थापित हुआ। मध्य प्रदेश के प्रथम नर्सिंग पीएचडी शोध केंद्र इंदौर में प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश का प्रथम नर्सिंग पीएचडी शोध केंद्र इंदौर में प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश का प्रथम साग सब्जी प्रक्रिया केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का प्रथम साग सब्जी प्रक्रिया केंद्र जो है वो खरगोन में स्थापित किया गया है। खरगोन जिसे पश्चिमी निमाड़ के नाम से भी जाना जाता है। खरगोन जिले में महेश्वर और मंडलेश्वर ऐतिहासिक स्थल हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और खरगोन जिला अंतर्गत कसराबद स्तूप काफी प्रसिद्ध है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कसराबद स्तूप। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जिला आपका खरगोन ही है। निवाड़ क्षेत्र को कपास का कटोरा कहा जाता है, जो निवाड़ को जो कपास कटोरा कहा जाता है, कपास का भी उत्पादन होता है दोस्तों खरगोन में। और मध्य प्रदेश में प्रथम आदिवासी संस्कृति एवं कला संग्रहालय कहाँ खोला गया है। जो मध्य प्रदेश में प्रथम आदिवासी संस्कृति एवं कला संग्रहालय खोला गया है वह भोपाल में खोला गया है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खोला गया है। मध्य प्रदेश का प्रथम संजीवनी आयुर्वेद विक्रय केंद्र भोपाल में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान भोपाल में स्थापित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल भोपाल में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का प्रथम आईटी पार्क भोपाल में स्थापित किया गया है। ये मध्य प्रदेश के भोपाल से संबंधित है, जो कि मध्य प्रदेश का प्रथम आईटी पार्क है वह भोपाल में स्थापित किया गया है और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल भोपाल में स्थापित किया गया है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय युवा महोत्सव मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कब मनाया गया था। या राष्ट्रीय युवा महोत्सव और वो भी भारत में पहली बार मनाया गया था, यह 1995 ईस्वी में मनाया गया था दोस्तों कहां पर, भोपाल में। राजगढ़ नगर को महाराजा गज सिंह ने अपने पुत्र राज सिंह के नाम पर कब बसाया था। जो राजगढ़ नगर है वो महाराजा गज सिंह थे, वहां के उनके पुत्र राज सिंह थे, उनके नाम पर 1766 ईस्वी में राजगढ़ नगर को बसाया था। राजगढ़ में ही नरसिंहगढ़ अभयारण्य स्थित है। राजगढ़ जिले में सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा होती है। राजगढ़ जिला अंतर्गत ब्यावरा में राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा है। ये ब्यावरा कहाँ आता है, राजगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। राजगढ़ जिले में स्थित नरसिंहगढ़ के किले को कश्मीर ए मालवा कहा जाता है, कश्मीर ए मालवा कहा जाता है। राजगढ़ जिले में स्थित नरसिंहगढ़ किले को कश्मीर ए मालवा कहा जाता है दोस्तों। गुना जिले से अलग करके अशोकनगर जिले का गठन कब किया गया था। गुना जिले से अशोकनगर जिले का जो गठन किया गया था वह 15 अगस्त 2003 को किया गया था दोस्तों। अशोकनगर जिला बना था, कब बना था, 15 अगस्त 2003 को। किस जिले से अलग करके बनाया था, गुना जिले से अलग करके बनाया गया था। हम बात करेंगे जो 2 मार्च 2019 को आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मिशन इंद्रधनुष में मध्य प्रदेश में कितने जिले शामिल हैं। तो मिशन इंद्रधनुष में मध्य प्रदेश के 13 जिले शामिल हैं, और वह 13 जिले कौन से हैं। और भारत देश की बात करें तो इसमें 118 जिले शामिल हैं, और मध्य प्रदेश के 13 जिले शामिल हैं, जिसमें अलीराजपुर, झाबुआ, रीवा, सागर, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, सतना, छतरपुर, शिवपुर, पन्ना, रायसेन, इंदौर शामिल हैं। ये मिशन इंद्रधनुष में शामिल हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे 3 मार्च 2019 का जो आपसे क्वेश्चन है इसका कमेंट करके आपको आंसर बताना है दोस्तों। और मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी विधेयक 2018 विधानसभा में कब पारित किया गया था, ये आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी विधेयक 2018 विधानसभा में कब पारित किया गया था। इसके ऑप्शन है
26 जून 2018, 26 जुलाई 2018, 26 अगस्त 2018, 26 मई 2018। तो इसका आंसर आपको कमेंट के जरिए बताना है दोस्तों, और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें दोस्तों, और इसकी पीडीएफ और एमसीक्यू प्रैक्टिस हमारे careerdestacademy.com पर जो है वो कर ले दोस्तों। और हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।